सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 23 से 29 अक्टूबर 2023, द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव, राशि के आधार पर मेष राशि पर गुरु और राहु का योग, सिंह राशि पर शुक्र, तुला राशि पर मंगल, राहु, केतु और बुध का योग, चंद्रमा मकर राशि पर, शनि कुंभ राशि पर और यही चंद्रमा 24 तारीख को प्रातः 4:22 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 26 तारीख को प्रातः 5:57 पर जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 28 तारीख को प्रातः 7:31 पर जो है मेष राशि में प्रवेश करेगा। 23 तारीख को आज सभी नवमी तिथि का हर्षोल्लास से मनाएं, इसमें कन्याओं का पूजन करें, नव कन्याओं का पूजन करें विधि विधान से। माँ दुर्गा सभी को आशीर्वाद देगी और 24 तारीख को पूरे भारतवर्ष में दशहरा का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस दिन जो है राम ने रावण का वध कर एक इतिहास रचा था, जिसमें बुराइयों का निराकरण और अच्छाई की और लोगों के लिए प्रेरित किया था, भय मुक्त किया था। इस प्रकार 24 तारीख को पूरे भारतवर्ष में दशहरा हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। मेष राशि के जातक के लिए जैसे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, राहु और गुरु राशि पर है, इसलिए विशेष करके बकरी स्थिति में होने कारण शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और दाम्पत्य जीवन में भी चतुर्ग्रही योग बना है, वहाँ मंगल भी शत्रु क्षत्रिय है और सूर्य भी नीच का है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने आ सकती है, उससे बचना होगा। उनके निराकरण करने के लिए शक्ति का स्तवन करना, माँ दुर्गा का स्तवन करना हितकर रहेगा। वैसे राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है और 24 तारीख को आर्थिक लाभ मिलेगा और 26 तारीख के उपरांत कहीं व्यर्थ में दौड़ धूप से बचना होगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, यद्यपि शत्रु क्षत्रिय है परंतु फिर भी हृदय संबंधी रोगों से बचना होगा, मातृ कष्ट से बचना होगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए पारिवारिक विरोध के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और साथ जो है व्यापार में भी कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान रखें। जहाँ वृष राशि के जातक के लिए समय चंद्रमा के अनुसार भाग्यवर्धक है, ऊपर आर्थिक लाभ मिलेगी और उसके उपरांत जो है जहाँ राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिला रहा है, 26 तारीख के उपरांत आर्थिक लाभ मिलेगा परंतु 28 तारीख के उपरांत विशेष करके कहीं शरीर पर व्यय होने की संभावना बनती है, उससे सावधान रखनी होगी। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह, बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास को आ रहा है परंतु कदापि पेट संबंधी बीमारियों से सावधान रखनी होगी, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है,
और आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति लाभ स्थान में, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। मिथुन राशि के जातक के लिए प्रारंभिक समय या स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम स्थान में रहेगा और जब ये चंद्रमा 24 तारीख को कुंभ राशि में चल जाएगा, धर्म कर्म की और रुचि बढ़ेगी। उपरांत राजपक्षे मान सम्मान प्रतिष्ठा और उसके उपरांत जो है आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। कर्क राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा, चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में बैठा है, पारिवारिक सुख सुविधा को दे रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और साथ अष्टम स्थान में शनि दीर्घायु दे रहा है। परंतु कदापि राहु का योग दशम भाव में शत्रु क्षत्रिय है, इसलिए राजनीति के क्षेत्र में और साथ नौकरी के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उनसे बचना होगा। भूमि संबंधी वाद विवाद से भी सावधानी रखनी होगी। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से तृतीय स्थान में पराक्रम भाव में है, यद्यपि पराक्रम में वृद्धि देता है परंतु नीचस्थ होने के कारण के भाइयों के साथ मन मटाव हो सकता है, उससे विशेष सतर्क रहना होगा। सूर्य मंत्र का जाप करते रहा करें। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा। शनि स्वगृह होकर विराजमान है।